राधे राधे गुरु जी। जी भैया, मेरा प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अभी यहीं से अभी मिलेंगे, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें श्मशान ले जाया जाता है, तो मूढ़ी और पैसा क्यों फेंका जाता है? हाँ, पैसा क्यों फेंका जाता है? पैसा इसलिए फेंका जाता है मरने वाले के साथ दुनिया को दिखाने के लिए। देख लो, जब तक ये आदमी जिंदा था पैसा पैसा करता था, परिवार के रिश्ते बिगाड़ लेता था पैसे के लिए। अब मर गया है तो पैसे फेंके जाते हैं। अब तेरी दम है, हिम्मत तो उठा के दिखा। जिंदा था मरता रहा पैसे के लिए, अब उठा। ये दुनिया को मैसेज है कि ज्यादा पैसा पैसा ना किया करो, वरना तुम्हारी छाती में पैसे पड़े रहेंगे, एक दिन वो आएगा उठा ना पाओगे। इसलिए पैसे के चक्कर में संबंधों को ना बिगाड़ा करो। मेरी दीदी एक प्रश्न करना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हम ये सवाल करना चाहते हैं कि दुर्गा जी को सिंदूर चढ़ाते हैं और लोग लगाते हैं, दुर्गा जी को पति कौन है? दुर्गा जी के पति भगवान शंकर। शंकर है? हाँ, जितनी देवियां हैं ये पार्वती का स्वरूप है, और पार्वती लक्ष्मी स्वरूपा है, तो ये शंकर जी इनके पति हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, जो हम दान के नाम से घर में पैसा मंदिर में रखते हैं, क्या हम उसको, कोई संत आए उसको दान कर सकते हैं? हाँ। राधे राधे, राधे हम राधे। गोपाल जी के लिए कुछ लाए हैं, क्या आपको दे सकते हैं? बिल्कुल। सब बैठे रहो मैया, खड़े ना हो। राधे राधे। हाँ। हम सुपौल जिला से आए हैं, 4 साल से कथा सुनते हैं, बहुत प्रिय लगता है। क्या लगता है? प्रिय बहुत लगता है कथा। प्रिय लगता है? हाँ, बहुत अच्छा, अच्छा। मेरे गली मोहल्ला में हर लोग सुनते हैं। अच्छा, अनुरोधाचारी बाबा बहुत। तो आपको आज कथा सुनी आपने? हाँ, आज सुने, कल शाम में 6 बजे। आज की कथा में आपको क्या अच्छा लगा? बहुत चीज अच्छा, माँ बाप को सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, आपको भजन भी अच्छा लगता, सब चीज अच्छा लगता है आपको। खुश रहिए। मेरा बेटा जो है ना गुस्सा करता है। किस पर? अपना भाई में। कोई बात नहीं, भाई भाई का गुस्सा, कथा सुनवाया करो, ठीक हो जाएगा। कथा सुनते रहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का बहुत संग लेते हैं। यहाँ दे दो, बेटी खड़ी है उस तरफ दे दो, बैठो। राधे राधे गुरुजी। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, मैं पास हो जाऊँ अच्छे मार्क से। अच्छे मेहनत कीजिएगा तब पास होंगे। हाँ। अच्छी मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए, तब पास होंगे। हाँ। और मेरे क्लास का स्टूडेंट सब हैं, वो सब आप कथा पे विश्वास नहीं करते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। तो आप समझाया करो उनको, क्यों नहीं विश्वास करते हैं? समझाते हैं, वो बोलते हैं भगवान नहीं होते हैं। तो उनसे बोलना कि भगवान नहीं होते, तो ये सृष्टि, ये सूर्य का सही समय पर आना, चांद का सही समय पर, मौसम का सही समय पर, कोई तो होगा जो मैनेजमेंट संभाल रहा है। वो सब बोलते हैं भगवान है तो तुम दिखाओ। हाँ, उनको ले आना, मैं दिखा दूंगा उनको। बोले चलो गुरुजी। लेकिन नहीं आते हैं वो। उनको ले आना ना, उनको देखना है तो मेरे पास आए, कल की कथा में मैं दिखाऊंगा उन लोगों को। राधे राधे गुरुजी। कल की कथा में मैं भगवान दिखाऊंगा उनको, यदि लाओगे आप तो।